वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, इंपोर्ट प्रोसीजर वो भी लेटेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैं सीएस के अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीआईसीआई टैक्स फैकल्टी, जीएसटी कंसल्टेंट, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर। और मैं आपको बता दूं, 7 मार्च तक जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आए थे वो इस किताब में मिलेंगे। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आपको चाहिए जरूर। और सबके लिए जो स्टूडेंट लाइफ से बाहर आके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके हैं, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, वीडियो जरूर देखिए। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इट इज गुड्स। यू डू नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज। तो गुड्स आर कवर्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, सर्विसेज आर नॉट कवर्ड, दो ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इज लेवाइड। और अगर ह्यूमन बींग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो वीजा है। गुड्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले पॉलिसी डीजीएसटी के वेबसाइट में मिलेंगे कि प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से हैं, फ्री गुड्स कौन से हैं। रेट गुड्स में क्या है वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1985 में मिलेगा। फिर गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उस गुड्स का इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन होना जरूरी है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसका रूट क्या होगा, सी, एयर या लैंड, लैंड ट्रेन से या ट्रक से। मैनर ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इफ यू आर इंपोर्टिंग यू हैव टू फाइल बिल ऑफ एंट्री, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग यू हैव टू फाइल शिपिंग बिल एंड सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और सब कुछ आइस गेट एक पोर्टल है वहां पर होगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और आपको सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी निकालनी है, ड्यूटी पेमेंट करना है। आप बिल ऑफ एंट्री से पहले ड्यूटी पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में आते हैं तो आप डिफर्ड ड्यूटी स्कीम का भी ऑप्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद सेल्फ असेसमेंट का वेरिफिकेशन होगा, वो प्रॉपर ऑफिसर करेगा, यानी कि आपके गुड्स को भी वेरीफाई करेगा और डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करेगा। और फिर वो क्लियरेंस ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 47। तो ये सारी कहानी अब हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं एक एक करके। नाउ व्हाट टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज गुड्स। नाउ व्हाट आर गुड्स, दिस इज डिफाइंड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। तो गुड्स का मतलब अगर आप यूं समझ लीजिए, जो जिस चीज में आप लेके आ रहे हैं वो भी गुड्स है, यानी कि जिस वाहन में आ रहा है वो भी गुड्स है, और उस वाहन में जो सामान लाया जा रहा है वो भी गुड्स है। तो दोनों ही गुड्स है, लेकिन अगर वाहन को यूज किया जा रहा है सामान लाने के लिए तो वाहन के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन वाहन, जैसे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में वाहन, वो वेसल इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर वाहन गुड्स हो जाएगा, उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो उस वाहन को गुड्स के डेफिनेशन में डालना बहुत जरूरी था। तो गुड्स इंक्लूड्स कन्वेयंस, गुड्स इंक्लूड्स कन्वेयंस, ये जो यहाँ लिखा हुआ भी है, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, दे आर कन्वेयर्स। और इसमें लिखा हुआ है, इफ दीज आर एंटर्ड इनटू इंडिया एज कन्वेयर्स देन नॉट गुड्स, हेंस नो कस्टम ड्यूटीज। हाउएवर इफ एंटर्ड एज गुड्स इनटू इंडिया देन गुड्स लायबल टू कस्टम ड्यूटीज। एग्जाम्पल, शिप ब्रॉट टू इंडिया फॉर ब्रेकिंग और परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट हेल्ड टू बी गुड्स सब्जेक्टेड टू अप्रोप्रिएट कस्टम ड्यूटी। और कस्टम टैरिफ एक्ट में पता लग जाएगा कितनी ड्यूटी लगनी है। इसके बाद बैगेज इज गुड्स, लेकिन बैगेज क्योंकि पर्सनल बैगेज होता है, इंपोर्ट का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ना हो, इसीलिए रेड क्लियरेंस और ग्रीन क्लियरेंस जब आप आते हैं किसी देश के बाहर से तो उसके थ्रू आप तुरंत निकल जाते हैं, तो आपको कोई चेकिंग नहीं होती है। अब बैगेज के ऊपर रेट हाई है, अगर थ्रेशोल्ड से अगर आप ज़्यादा का लेके आते हैं, दैट इज 38.5% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर एनी मूवेबल गुड्स, एनिमल्स, बर्ड्स, पेंटिंग्स, ये सब गुड्स हैं। और करेंसी भी गुड्स है, लेकिन करेंसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन गुड्स के डेफिनेशन में सिर्फ इसलिए है सो दैट यू डिक्लेयर इट। उसके बाद गुड्स के डेफिनेशन में पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू मेंबर्स, और शिप में जो फ्यूल है, शिप का कोई और कोई स्टोर्स का आइटम है, वो सब कुछ गुड्स है, लेकिन इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो शिप एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, गुड्स इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स। अब स्टोर्स की कहानी देखिए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 38, स्टोर मींस गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। Thus, it covers up goods intended for consumption by the passengers and the crew on board vessels, aircraft, whether or not sold, goods necessary for the operation and maintenance of vessels, aircraft, including fuel, spare parts and equipment. If stores are
cleared into town, यानी कि अगर आप stores को clear करते हैं for home consumption, then it is subjected to custom duty. और अगर foreign going vessel है, यानी कि एक ship है जो इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहा है, एक प्लेन है जो इंडिया से उड़ रहा है दूसरे कंट्री में, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट मान लेंगे और आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा सिंस स्टोर्स आर ऑल्सो गुड्स. इस पर कहानी है, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ. फिर बैगेज एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेन्ड बैगेज. इसका मतलब जो पैसेंजर है उसके साथ अगर कोई बैगेज आ रहा है, देयर अकम्पेन्ड बैगेज एंड दैट इज ऑल्सो बैगेज, क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूड्स लिखा हुआ, तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेन्ड बैगेज प्लस अनअकम्पेन्ड बैगेज बट एक्सक्लूड्स मोटर व्हीकल. अब इसका मतलब एक्सक्लूड्स मोटर व्हीकल का मतलब आप मोटर व्हीकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं बट नॉट एज ए बैगेज, यानी कि सिंपल रूल ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर नहीं लेकर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी मोटर व्हीकल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग बिल. इजी मेथड ऑफ इंपोर्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर बैगेज. करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दो नो ड्यूटी इज लेवाइड ऑन करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बट कवरेज इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स कंपेल्स द पैसेंजर्स टू डिक्लेयर दीज ऑन हैंड्स. ऑल्सो फेमा हैज प्रिस्क्राइब सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. In this, it was held by tribunal that no passenger is allowed to bring Indian currency from outside India in excess of prescribed limit. If brought, then excess currency is liable to be confiscated besides penalty and on passenger. And any other kind of movable property, example animals, birds, drawing, design and package software. तो पांच चीजें हैं जिसको goods माना गया, और ये open है, यानी कि बाकी जितने भी movable है वो सब goods मान लिया जाएगा. ठीक है, अब एक धड़कता हुआ सवाल है ये वाला, वेदर सप्लाईज मेड टू फॉरेन गोइंग वेसल ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. नाउ लुक, फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम इट इज एक्सपोर्ट, नो डाउट. व्हाट वी आर आस्किंग इज हियर, वेदर सप्लाईज मेड टू फॉरेन गोइंग वेसल ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इन द लाइट दैट सेक्शन 2 subsection 5 of the IGST Act defines export of goods means taking goods out of India to place outside India. अब export IGST Act में जो define किया हुआ है कि India से goods चलेगा and that goods should reach outside India, यानि कि outside 200 nautical mile. That place is outside India. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, foreign going vessel वो तो India में ही है और हम लोग India to India supply कर रहे हैं. Will it be treated as export? Since this foreign going vessel ultimately will take that goods outside India, but they are not being exported because contract of sale or contract of supply terminates at the Indian port only. But if you see the Customs Act, Section 87, stores to be used in foreign going vessel or aircraft, imported stores on board a vessel or aircraft may be consumed without payment of duty as stores during the period such vessel or aircraft is a foreign going vessel or aircraft. इसका मतलब जो बाहर से ship आ रहा है उसमें vessel में जो goods है, fuel है, वो Indian shore पे वो consume हो रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा वो import हो गया. तो ये imported की कहानी. और यहाँ देखिए 88, export of warehouse stores and duty drawback. The provisions of section 69 shall apply to stores as they apply to other goods subject to modification that. For the words exported to any place outside India or the word exported, wherever they occur, the words taken on board any foreign going vessel or aircraft shall be substituted. It means supply of stores to foreign going vessel is treated as export. और drawback भी मिलेगा इसमें. तो ये कहानी है. अब लेकिन customs के लिए तो export मान लिया गया because there are provisions in Customs Act which is replacing the word exported to any place outside India to the words taken on board any foreign going vessel or aircraft which is not so in IGST. तो confusion है. तो हमारा opinion है it is not an export for GST purpose, लेकिन there is a advance ruling in Fairmax Ship Stores where it is held that as per section 16 of IGST Act 2017, the exports will be treated as zero rated supply. यानी कि these is, so the outward supplies made by the applicant to this will be treated as exports. तो सिर्फ इसी को बेनिफिट मिलेगा, बाकी को बेनिफिट लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और ये फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का है डेफिनेशन, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दिखला दिया. ये जितना भी आप
इस तरह का देख रहे हैं, ये हमारी बुक से है। अगर आपके पास हमारी बुक नहीं है, स्टोरी फॉर्म में है, वो आपको चाहिए होगा अगर आपके पास है नहीं, क्योंकि हमारी बुक से ही आपको GST और कस्टम्स एक्ट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी समझ में आ सकता है, हमारे वीडियो लेक्चर से ही हो सकता है। अब आगे देख, अब कुछ और बातें। हर एक गुड्स आप इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, भले आप 400% की ड्यूटी दे दो, 200% की ड्यूटी दे दो, लेकिन उस गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है। ये पॉलिसी को हम कहते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम पॉलिसी, जो शेड्यूल वन में और टू में, वन में इंपोर्ट पॉलिसी है और टू में एक्सपोर्ट पॉलिसी है। ये पॉलिसी आपको DGFT.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिलेगी आपको। और एवरी गुड्स इज डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज, प्रोहिबिटेड गुड्स, दैट इज इट कैनॉट एट ऑल बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, बिल्कुल बैन है, पकड़ते ही स्मगलिंग मान लिया जाएगा, हेवी पेनल्टी और कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। और कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि लाइसेंस लेके ही गुड्स इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हुआ हो सकता है। और कुछ कैनलाइज गुड्स है, जहां पर आम जनता को ये गुड्स इंपोर्ट करने नहीं दिया जाता, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज, जैसे गेहूं चावल ये सब, वो सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती है। और बाकी इनके अलावा फ्री गुड्स है, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, ड्यूटी दीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहिए। तो ये कहां मिलेगा, इस वेबसाइट में जाएंगे। मैं इस वेबसाइट में गया तो मुझे ये नजर आया, DGFT की वेबसाइट पॉलिसीज में जाएंगे तो यहां पर देखिए ITCHS पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 वाला है, इंपोर्ट पॉलिसी 2017 वाला है। जब आप यहां जाएंगे तो हर एक चैप्टर्स का अलग अलग आपको कहानी मिल जाएगा, जहां पर HSN नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ। आप देखिए यहां रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, ये कोई स्पीशीज है, एनिमल्स है, जहां पर ग्रैंड पेरेंट स्टॉक ऑफ पोल्ट्रीज हाउ एवर फ्रीली इंपोर्टेबल, ये सब कुछ कंडीशंस दिया, रिस्ट्रिक्टेड मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यहां पर ये इंपोर्ट पॉलिसी कैसे, आप ये रिस्ट्रिक्टेड है तो कैसे लाइसेंस लेके, ये पूरी कहानी उसमें लिखी हुई है। फिर देखिए कुछ है जो कैनलाइज्ड गुड्स बोलते हैं, जहां पर राइस, बासमती राइस, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। फिर एक्सपोर्ट पॉलिसी में वाइल्ड एनिमल्स प्रोहिबिटेड, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, नॉट परमिटेड टू बी एक्सपोर्टेड। तो उसमें बहुत सारे गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लिखा हुआ, जिस गुड्स में आप डील करते हैं उसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद रेट में आते हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1985, जहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी है। जब आप कस्टम टैरिफ एक्ट देखेंगे तो उसमें दो शेड्यूल है, वन जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, सिर्फ 26 प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और सारे के सारे नील हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। शेड्यूल वन में इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा कुछ और ड्यूटी भी लगती है जो कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शंस में नजर आता है, जहां पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में IGST कंपलसरी है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 में GST कंपनसेशन सेस, और IGST का रेट और GST कंपनसेशन सेस का रेट GST के नोटिफिकेशन में मिलता है। फिर इसी सेक्शन में सेफगार्ड ड्यूटी, सेक्शन 9 में CVD ऑन सब्सिडाइज, आर्टिकल 9A एंटी डंपिंग, ये तीनों के तीनों कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन है। 37 और 39 भी कस्टम टैरिफ एक्ट का ही है, लेकिन रेट आपको GST के नोटिफिकेशन से मिलेगा, ठीक है। और इन सब ड्यूटी के अलावा अब एडुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एडुकेशन सेस नहीं लगता है, दे हैव बीन रिप्लेस, 3% इज रिप्लेस विद सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। तो ये चेंज है, ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद आइए टैरिफ, अगेन आप CBEC के वेबसाइट में जाएंगे, CBEC नॉट DGFT, CBEC के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां कस्टम टैरिफ एक्ट मिलेगा, वहां पर आपको ये सारे रेट नजर आएंगे आपको इस तरह से। जैसे हमने कुछ रेट्स लिखा, 30% रेट ऑफ ड्यूटी स्टैंडर्ड, और प्रिफरेंशियल एरियाज है जहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन है तो वहां पर जीरो रेट आ गया। तो हर एक गुड्स का इसी तरह से आप ढूंढ सकते हैं। अब कोई भी गुड्स इंपोर्ट होगा तो उस गुड्स का इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर जरूर करता है, लेकिन कुछ गुड्स जैसे प्लांट है या फिर टेक्सटाइल है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप उसका सर्टिफिकेट लेके आइए कि इसमें ये बीमारी तो नहीं है, अगर एनिमल इंपोर्ट कर रहे हैं तो। ऐसे बहुत सारे हर एक गुड्स के बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं। तो आप अगेन आइस गेट की वेबसाइट में जाएंगे, देखिए मैंने तीन वेबसाइट बताया, DGFT, CBEC जहां पर रेट मिलता है, और एक आइस गेट है जहां पर ये सारा कस्टम्स के फॉर्मेलिटीज एग्जीक्यूट होते हैं।
तो उस आइस गेट की वेबसाइट में आपको मिलेगा ये सारा। मैं आपको आइस गेट का वेबसाइट दिखलाता हूँ एक बार आपको, ये icegate.gov.in है, यहीं पर कस्टम्स का सारा इम्प्लीमेंट होगा। ये देखिए यहाँ लॉग इन आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा सिंगल विंडो, इसी को अगर आप खोलते हैं तो स्विफ्ट जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, और यहाँ पर सारी कुछ मिलेगा। तो मैं आगे दिखाता हूँ, तो प्लान क्वार्टाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो आपको पहले हर एक, अगर प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ टेक्सटाइल इंपोर्ट, तो हर एक मिनिस्ट्री के पास आपको जाके सर्टिफिकेट लेना होता था, अब एक ही जगह ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज है, वाइल्ड लाइफ, ड्रग कंट्रोलर, एनिमल, FSI, प्लांट, टेक्सटाइल, इस तरह से बहुत सारी, हमने 6 ही दिखलाए हैं। तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इस, ये प्लांट सेफ है इम्पोर्ट करना, इस एनिमल को इम्पोर्ट करना सेफ है, और वो सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट के रूप में बिल ऑफ एंट्री के साथ अटैच करना पड़ता है। तो समझ लीजिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, वैसे आप गुड्स का एक ऑडिट करवा रहे हैं। उसके बाद अब एक सर्कुलर आया तुरंत कस्टम्स का, लेटेस्ट आया, उसमें कहा गया कि मान ले दिल्ली का इंपोर्टर, मुंबई में उसका सामान आ रहा था, उसको मुंबई जाके उस गुड्स की चेकिंग करवानी पड़ती थी, अब वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यू हैव टू गेट दिस गुड्स रजिस्टर्ड एट द आइस गेट इटसेल्फ। तो आइस गेट का जब आप वेबसाइट खोलेंगे, उसमें एज ए इंपोर्टर एक्सपोर्टर IEC कोड नंबर जो आपको मिलता है वहां पर आप उसमें रजिस्टर करेंगे, तो यहां देखिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए गुड्स रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट, यहां पर आपको क्लिक करना, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी जैसे GST की वेबसाइट में जाकर के करते हैं, वैसे डिफर्ड ड्यूटी और ई पेमेंट ड्यूटी, अगेन सारा कुछ ऑनलाइन है। डॉक्यूमेंट्स ई संचित के थ्रू होता है, अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग, और जिसमें डिजिटल सिग्नेचर ये सब होता है। बिल ऑफ एंट्री अपलोड करेंगे नंबर जनरेट होगा, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे नंबर जनरेट होगा, दोनों को लिंक कर दीजिए। तो इस तरह से ये सारा है, IGST वैलिडेशन डिटेल्स ये सब भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस गुड्स से रिलेटेड हो गया। ये ई संचित दिखला दिया आपको, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इमेज रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो ये सारी फाइल आपको ना ईमेल में कंसोलिडेटेड वे में मिलती है, तो आपको सब कुछ फाइल को सेपरेट करके अलग अलग अपलोड करके करना पड़ता है इसको, ठीक है। अब आगे